तो भाई देखो, जो सुबह जो मैच होने वाली है 8 बजे मलेशिया T20, ये बढ़िया मैच है। ठीक है, मोस्टली ग्रैंड लीग पे फोकस रखो। इसमें तो हमारे जो सारे प्लेयर हैं, इतने मैचेस खेले हैं हमने इस टीम के या फिर जो भी इनके दोनों ही टीम के, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको ज़रूरी है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना। ठीक है, क्योंकि फाइनल टीम वहीं पे आएगी और लाइन आउट के हिसाब से हम लोग देखेंगे किसको टीम में रखना चाहिए। ठीक है, अब देखो जो सबसे ज़रूरी है बॉलर सेक्शन, इसमें बहुत वहाँ ज़रूरी है। तो बॉलर में देखो, जो अगर ये पीसिंग अगर ये खेलते हैं तो ये ज़रूरी रहेंगे, और जे करिको ये ज़रूरी है, और आर हेजर, वैसे पीसिंग के बहुत कम चांस है खेलने का, तो अभी हम लोग इसे टीम में नहीं रखेंगे। इनकेस अगर खेलेंगे तो ज़रूरी हो जाएंगे। और कामिया ये भी ज़रूरी है, ये जब भी विकेट लेते हैं तो गुच्छे में 3-4 विकेट ले जाते हैं, या तो नहीं लेंगे। और हयात दुरानी एक अच्छे बैट्समैन और मतलब ऑलराउंडर हैं, और इनको तो 4 ओवर फिक्स है। ठीक है, नीचे और कोई ख़ास इम्पोर्टेंट है नहीं, आप सबको इग्नोर कर सकते हो। ए नाव अच्छे बॉलर हैं लेकिन मलेशिया के बैट्समैन के सामने नहीं टिक पाएंगे। ठीक है, तो उसे आप इग्नोर कर दो, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। ठीक, अब ये रहे यहाँ आपके सी अमीनी, वैसे तो सबके 93% सिलेक्शन है, पर हमारी टीम में नहीं होंगे, इतने भी बहुत अच्छे प्लेयर नहीं हैं, मलेशिया के सामने इनका कुछ नहीं चलेगा। तो अब हमारे रह गए वी सिंह और वनाओ, इन्हें ले लेना। मतलब हमें PNG के सिर्फ मतलब 1-2 प्लेयर ही लेने हैं, अगर आप चाहो तो मलेशिया के 10 प्लेयर लेके जा सकते हो इस मैच में। ठीक है, लेकिन एक बढ़िया टीम के लिए अगर मलेशिया पहले बैटिंग करेगी तो जाहिर सी बात है उनके भी 3-4 विकेट गिरेंगे, तो हमें इनके 3-4 बॉलर लेने हैं, मैं बस इसीलिए ले रहा हूँ। तो ये हो गए। और तो बाकी अगर मुनेंडी खेलते हैं तो ये भाई बिल्कुल लेना, ये ट्रंप कार्ड बनेगा इस मैच में, और इनके 4 ओवर ही मिलेंगे इन्हें, और विकेट तो बढ़िया ले जा सकते हैं ये। अब देखो, अगर मलेशिया पहले बैटिंग करेगी तो जुल्फिकल को टीम में रखना, नहीं तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो अगर सेकेंड बैटिंग आएगी, क्योंकि ज़्यादा स्कोर बनेगा ही नहीं, PNG ज़्यादा रन नहीं मार पाएगी, तो जुल्फिकल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो टी उड़ा है, जो पहले आप देख लो PNG के टी उड़ा या फिर ए वाला, ये सारे बैट्समैन हैं PNG के, जो कि मतलब मलेशिया के बॉलर्स के सामने ये टिकने वाले हैं नहीं, कुछ भी नहीं रन मार पाएंगे। आमिर आजिम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, चाहे बॉलिंग करे या बैटिंग करे। ठीक है, मलेशिया पहले बैटिंग करे या बॉलिंग करे, आमिर आजिम आपके टीम में होने ही चाहिए। ए फैज ये बैट्समैन है, लेकिन कभी कभी इनसे भी 1-2 ओवर करवा लिए जाते हैं, तो इन्हें भी टीम में रख लेना। अब हमारे विकेट कीपिंग सेक्शन में देखो, इसमें तो एस अजीज से अच्छा कोई कीपर हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो ए हफीज को भी लेके जाना अगर मलेशिया पहले बैटिंग करती है तो, क्योंकि ए हफीज भी अच्छे बैट्समैन हैं और PNG के खिलाफ तो बहुत अच्छा मार सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 11 लोगों की टीम। और कैप्टन तो देखो, वी सिंह से तो अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज, और बॉलिंग की तो पूछो मत। तो कैप्टन तो फिलहाल आप अगर स्मॉल लीग बना रहे तो इन्हें कैप्टन ज़रूर बना देना, क्योंकि अगर ये चल गए तो आपकी सारी टीम बिल्कुल कहाँ जाएगी, आपको दिखेगी भी नहीं दूर दूर तक, क्योंकि ये जब चलते हैं तो 100 से ऊपर पॉइंट लेके ही आते हैं। और वाइस कैप्टन के लिए अगर मलेशिया पहले बॉलिंग करेगी तो आप आर हैदर के साथ जा सकते हो, या हयात दुरानी के साथ, और या फिर आमिर आजिम के साथ, और या भी यूनी सबसे पहले प्रायोरिटी में है, बाकी सब सेकेंड प्रायोरिटी में। अगर बैटिंग पहले करती है तो एस अजीज ही वाइस कैप्टन बनेंगे, उनके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन लेना ही मत। ठीक है, अब ये हो गई हमारी टीम रेडी। सब्सक्राइबर बढ़ा दो भाई, इतने अच्छे क्लीन स्वीप दे रहा हूँ, सारी मैच करीब करीब क्लीन स्वीप जा रही हैं,
और ये मैच पक्का क्लीन स्वीप होगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बहुत अच्छा टीम बनाएंगे हम लोग लाइन आउट के बाद। ओके बाय।